भारतीय कपास संघ CAI ने फसल वर्ष अक्टूबर सितंबर 2021-22 में कपास उत्पादन 360.13 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। CAI ने कहा है कि उपज बेहतर रहने से कपास उत्पादन अच्छा रहेगा। CAI ने एक बयान में कहा है कि पिछले सत्र में कुल कपास उत्पादन 353 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो मौजूदा सत्र की तुलना में 7.13 लाख गांठ कम है। CAI के अध्यक्ष अतुल गणत्रा के अनुसार कपास की पैदावार काफी बेहतर होने का अनुमान है और अच्छे मानसून के बाद पानी की बेहतर उपलब्धता के कारण किसानों को तीसरी और चौथी तुड़ाई करने की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 सत्र के अंत तक यानी 30 सितंबर 2022 तक कपास की कुल अनुमानित आपूर्ति 445.13 लाख गांठ थी, जिसमें सत्र की शुरुआत में 75 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक शामिल है। सत्र में फसल 360.13 लाख गांठ होने का अनुमान है तथा पिछले वर्ष के बराबरी इस बार 10 लाख गांठ का आयात होने का अनुमान है। CAI ने कहा है कि फसल वर्ष 2021-22 में घरेलू खपत का स्तर पिछले वर्ष के समान स्तर पर रहना अनुमानित है, जो कि 335 लाख गांठ है। CAI का अनुमान है कि कपास सत्र 2021-22 का निर्यात 48 लाख गांठ रहेगा, जो 2020-21 के लिए 78 लाख गांठ के अनुमान से कम है। CAI के अध्यक्ष अतुल गणत्रा का कहना है कि हमने पिछले सत्र की तुलना में निर्यात कम रहने का अनुमान लगाया है, क्योंकि घरेलू कपास की कीमतें अमेरिका में कीमतों के बराबर हो गई हैं। कपास का पिछले सत्र का बचा हुआ स्टॉक 30 सितंबर को सत्र के अंत में 62.13 लाख गांठ रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने कपास किसानों को पिंक बॉल वॉर्म कीट के हमले के कारण हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए 416 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। पिंक बॉल वॉर्म के हमले से मनसा, संगरूर, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब और बनाला जिलों में कपास की फसल को व्यापक नुकसान हुआ था। पंजाब सरकार के मुताबिक 26-32% तक के फसल नुकसान के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है। 33-75% नुकसान के लिए 5,400 रुपये प्रति एकड़ और 76-100% नुकसान के लिए 12,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किसानों को किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।